अभी भी जो है काफी एक्साइटेड है और आपको बताने के लिए भी एक्साइटेड है। और इससे पहले जो है मैंने आपको चुकंदर की रेसिपी बताई थी, चुकंदर चिकन की, जो बच्चों की बहुत फेवरेट थी, मेरे बच्चों के लिए, बच्चे उसमें कुक नहीं कर सकते क्योंकि वो पकाने वाली चीज़ थी। तो आज जो है ये रेसिपी में बेबी जो है वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है बेबी। अब आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे फेवरेट होगी आपकी जेलीज, कौन कौन सी जेलीज है? बनाना जेली, ऑरेंज जेली एंड स्ट्रॉबेरी। हाँ चलिए, अब हमने क्या करना है इसके लिए मैं बताती हूँ, टू स्टेप्स में करेंगे। पहले हम जेलीज को और इस तरह जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है इसके अंदर जमने वाली वो हम पहले जमाएंगे और फिर घंटे के बाद हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे इस रेसिपी को। इसमें आपने क्या करना है, जेलेटिन टू टी स्पून जेलेटिन पाउडर ले लेना, जो इंस्टेंट होता है फटाफट जो बन जाता है, वो जेलेटिन पाउडर लिया और उसमें हमने 2 कप्स ऑफ मिल्क ले लिया ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 कप मिल्क लेके उसको हमने अच्छे से बॉईल करना है और उसके अंदर हमने जेलेटिन को डिसॉल्व करके जो है वो उसके अंदर डालना है और उसको मिक्स करके किसी भी अच्छे से डिश में जमने के लिए रख देना है। और हम क्या करेंगे, इधर जो है 3 टाइप्स की जेलीज जो है उनको जमा लेंगे और फिर हम क्या करेंगे इसके साथ एक बड़े मज़े की मैंगो डिलाइट बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह वो डिलाइट बहुत मज़े की देगी। अच्छा, एक इसके लिए एक मैंगो निकालूँ डिलाइट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दूध जो 2 कप है ना हमारे पास उसको हम यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखेंगे और इधर जो है ना हम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल ये देखिए 2 टीस्पून है ना जेलेटिन, तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून के जितना पानी जो है उसको हम पहले बॉईल करेंगे। ये ले लिया पानी, इसको हम बॉईल कर लेते हैं पानी को गर्म करके अच्छे से। और ओके बेबी, आपने क्या करना है, आपका भी काम कर रहा है, दिल कर रहा है कुछ करूँ हेल्प, तो आपने मैं भी मान रहा हूँ कि मम्मा, तो आपने अच्छे से उसको उसके साथ डिजॉल्व कर लेना स्पून के साथ, ठीक है। अच्छा, ये पानी जो हमारा है ये बॉयल अप हो गया है, आप देख रहे हैं, फिर ला देंगे बेबी इसको मिक्स करेगा, ठीक है बेबी। चलिए इसको अच्छे से डिजॉल्व करें, जल्दी जल्दी करें, शाबाश, जल्दी 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 ऐसे, तो मैं ये कर लेती हूँ आप जेलीज का। ये जेलेटिन जो है ये पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो गया, 2 टेबलस्पून वाटर था उसमें हमने जेलेटिन डिजॉल्व किया। इधर जो हमारा मिल्क है ना वो बॉईल हो गया है, अब हम इसमें ये जेलेटिन वाला जो मिक्सचर होता है डालते जाएंगे और इसको हम इस तरह से विस्क कर लेंगे। अब इसको एक अदर बॉयल अप आ जाएगा तो हम इसको कि उस वाले बाउल में निकालेंगे। अच्छा, उतनी देर आप 2 कप्स के जितना पानी जो है वो जेली के लिए रखेंगे बॉयल और फिर जो है बेबी जेली को अच्छे से डिजॉल्व करेगा मुख्तलि किस्म के कंटेनर्स में। आप इसको जो है साथ साथ मिक्स करते जाएं और दूध को आपने जो है जेलेटिन पाउडर के साथ पका लेना। तो एक अदर बॉइल आएगा तो हम इसको जो है इस वाले कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, और इसको हम उबल लेंगे। उतनी देर पानी भी हमारा उबल रहा है और हम इतनी देर पे भी आप जेलीज को जो है वो इसमें बाउल्स में डाल दें, ये कट करके दे दिए मम्मा आपने सेपरेट बाउल्स में, इनको डाल दें इस बाउल में डालें, डालते हैं ना फिर और ये वाला इस बॉल में डाल दें, ठीक है। कौन कौन सी जेलीज हैं? मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी, वो ग्रीन वाली बनाना है, ओके, और ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। इस तरह से डाल दें बेबी और उतनी देर, हाँ शाबाश, थैंक यू। ये हमारा जो दूध है ना ये बॉइल हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो पानी अच्छे से उबल जाएगा और ये इधर से दूध भी उबलेगा तो फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इस काम में। अब ये इसके अंदर पानी, ये दूध देखें उबल गया, अब इसको हम जो है वो रख देंगे
इसको निकाल देंगे इसके अंदर, और जमने के लिए इसको हम लोग रख देंगे अपने फ्रीजर में चिल करने के लिए। इसको अपने ऐसे डाला और उसको अपने रख देंगे, और ये फिर ये जम जाएगा और इधर जो है। अच्छा, इधर पानी जो है बॉयल हो गया, अब हम इसमें जेलीज में डालते जाते हैं। पहले इस जेली में डालेंगे, बेबी इसको मिक्स करेगा, बेबी इसको मिक्स करें, जल्दी जल्दी मिक्स करना बेबी। और इधर हम दूसरी बाकी जेलीज के लिए हमने पानी रख दिया। ओके, ये जेली को मिक्स करें बेबी, और इधर थ्री थर्ड जेली मामा मिक्स करती है। अब आप इन सब चीज़ों को जो है थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखेंगे कि ये जम जाए। जब ये चीज़ें जम जाएंगी तो फिर हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। ठीक है, अब हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक आफ्टर 2 to 3 hours। अच्छा, हमने जो है वाई जो दूध के अंदर जेलेटिन को किया था, मैंने इस वाले कंटेनर में डाला था आपके सामने, तो मैंने उसको जमने के लिए फ्रीजर में रखा तो दो ताकि जल्दी से ये तैयार हो जाए, तो मैंने इस वाले कंटेनर से इसमें प्लास्टिक बाउल में डाल दिया और उसको हमने जो है वो 2 घंटे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये ना जेलेटिन जो मिल्क में डाला था इस तरह से फ्रीज हो गया, और उसकी हमने छोटी छोटी इससे चूली के साथ इसकी ना इस तरह से क्यूब्स कर लेनी है। इसका बड़ा अच्छा सा ना अंदर फ्लेवर भी आएगा और ये टेक्स्चर देगा मिल्की मिल्की सा। ठीक है बेबी, अब हम क्या करेंगे, पहले सारी की सारी चीज़ों को इस वाले कंटेनर में डाल लेंगे और फिर हम इनको जो है अपने किसी मज़ेदार लग रहा है। ये आपने इस तरह से ले ली। अच्छा, अब बेबीज ने क्या करना है, बेबीज अब आपका काम ही है। ठीक है, ओके बेबी। अच्छा, ये आ गया हमारा यमी सा जेलेटिन वाला मिक्सचर। अब इसको मीठा कैसे बनाए, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप इसके देखिए अब आपने क्या करना है, ये कंडेंस मिल्क है ये बाउल में ले लें, यम्मी।
कलरफुल से आई है। अब आप इसको इसके अंदर हम ये वाला मिक्सचर डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरे कंटेनर में इसको सेपरेट कर देते हैं। और हमने दो बाउल्स बच्चों के लिए सेपरेट सैडी के लिए की है इंडिविजुअल सर्विंग। अब हम इन सब चीज़ों को कंबाइन कर देंगे और इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं, इसको फ्रीज नहीं करना है इन चीज़ों को, इन चीज़ों को ठंडा करना है। ठीक है, अब हम इनको सेट करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी लगी है और आपको भी अपने घर पर ट्राई करो। हमें जरूर इसके बारे में फीडबैक दें। थैंक यू।